हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यूनिवर्सिटी क्लास 11th का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट और मैसेज करके मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या होने वाली है, कितने मार्क्स पर हमारा सिलेक्शन होगा, हम जनरल से हैं, OBC से हैं, SC ST से हैं, तो हमारी कितनी कट ऑफ होने वाली है, हम बॉय हैं गर्ल है तो हमारा कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा, मुझे साइंस स्ट्रीम लेनी है, मुझे कॉमर्स आर्ट्स स्ट्रीम लेनी है तो मेरे कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मुझे बार बार कमेंट और मैसेज आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के जितने भी डाउट हैं वो सभी डाउट इस वीडियो में कवर होने वाले हैं, आपके डाउट सभी क्लियर होने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा कि कट ऑफ बनती कैसे है और किस कैटेगरी की और किस स्ट्रीम के लिए कितनी कट ऑफ रहने वाली है, तो बिल्कुल डिटेल से आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी मैं आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊं उनकी नोटिफिकेशन भी आपके पास समय से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, इस वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट क्या रहने वाला है, यानी आपके एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, और ये बात आपको पता चली चुकी है क्योंकि आपका एग्जाम हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको स्ट्रीम और सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बताया था, यानी इसमें मैंने आपको बताया था कि किस स्ट्रीम के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और किन सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ के आपके जो है कट ऑफ बनेगी। और कट ऑफ दोस्तों 60 मार्क्स में बनेगी, आपको पता है 100 में से नहीं बनेगी। और साथ ही ये बताया था कि मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए हर सब्जेक्ट में। इसके अलावा दोस्तों, सिलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन सी प्रोसेस से सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, वो सब बातें मैंने इस वीडियो में कवर की हुई है और बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में पता है जिन्होंने वो वीडियो देख रखी है। इसलिए मैं दोस्तों ये सभी बातें रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट है जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है वो इस वीडियो को देख सकता है, लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर जो आप आई बटन देख रहे हो वहाँ पर मिल जाएगा। अदरवाइज दोस्तों, आप डायरेक्ट चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि आपकी जो कट ऑफ है वो कैसे बनती है, ठीक है ना, स्टेट वाइज बनेगी या डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी या कैसे बनेगी, और उसके बाद आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी होगी, कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा, तो इन सब के बारे में दोस्तों हम वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो कैसे बनेगी, यानी किन फैक्टर पे कट ऑफ डिपेंड करती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि पूरे इंडिया में 600 से ज़्यादा नवोदय विद्यालय है और सभी नवोदय विद्यालय की कट ऑफ सेम नहीं रहती, बल्कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की अपनी अलग कट ऑफ होती है। जो आपकी कट ऑफ है दोस्तों वो डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर बनाई जाती है। अब किन किन फैक्टर पर वो डिपेंड करेगी इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स, यानी जिस भी स्ट्रीम के लिए और जिस भी नवोदय में आपने अप्लाई किया है उस नवोदय में उस स्ट्रीम के लिए कितनी सीटें खाली है, इस पे डिपेंड करती है आपकी कट ऑफ। दूसरा किस पे डिपेंड करेगी, दूसरा है दोस्तों नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, यानी जिस भी स्ट्रीम के लिए आपने अप्लाई किया है और जिस भी नवोदय में आपने अप्लाई किया है उसमें अप्लाई करने वाले टोटल बच्चे कितने हैं और एग्जाम देने वाले टोटल बच्चे कितने हैं, तो इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, हाई होगी या लो होगी। तीसरा दोस्तों, लेवल ऑफ एग्जाम, यानी एग्जाम का लेवल कैसा था, हार्ड था, मॉडरेट था या इजी था, तो इस पर भी डिपेंड करती है कट ऑफ क्या रहने वाली है। चौथा दोस्तों, आपका जो एरिया है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एजुकेशन लेवल कैसा है, वहाँ पे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं पढ़ाई में या वहाँ पे दोस्तों मॉडरेट हैं सभी, ये सभी दोस्तों क्या हैं, थोड़े मॉडरेट से भी नीचे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। तो कुल मिला के दोस्तों ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर कट ऑफ निर्धारित होती है। अब मान के चलो दोस्तों, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स है वो ज़्यादा हैं, यानी कि खाली सीटें ज़्यादा हैं, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यानी जिन बच्चों ने फॉर्म भरा और पेपर देने आए उनकी संख्या दोस्तों कम है, और लेवल ऑफ एग्जाम की बात करें, लेवल ऑफ एग्जाम दोस्तों अब की बार अगर देखा जाए इजी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मॉडरेट टू हार्ड अब की बार जो एग्जाम है वो आपका हुआ था, तो एग्जाम का लेवल हो गया मॉडरेट टू हार्ड। और एजुकेशन की बात करें, अगर जो एजुकेशन है दोस्तों, एजुकेशन अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या है, थोड़ी सी लो लेवल की है, यानी कि एजुकेशन का लेवल है, बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई में थोड़े ठीक ठीक लेवल के, यानी बहुत ही ज़्यादा हाईफाई नहीं है, तो इसका मतलब दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है वो कम रहने वाली है। और दूसरी तरफ बात करें, कोई ऐसा नवोदय विद्यालय है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स तो बहुत ही कम है, यानी खाली सीटें बहुत ही कम है, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यानी जिन बच्चों ने फॉर्म भरा और पेपर देने आए उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है, और लेवल ऑफ एग्जाम तो दोस्तों लगभग सेम ही है, यही रहेगा क्योंकि एक ही एग्जाम आया है। और एजुकेशन लेवल की बात करें तो उस एरिया में जो एजुकेशन लेवल है वो भी ठीक ठाक है, यानी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं पढ़ाई में, ठीक है ना, बहुत ही इंटेलिजेंट बॉय हैं, यानी कि एवरेज से भी अच्छे हैं, ठीक है ना। तो इस एरिया की बात करें तो उस एरिया में दोस्तों जो कट ऑफ है वो थोड़ी आपकी हाई रहने वाली है। तो आप देख सकते हो कि आपके
जो नवोदय विद्यालय है उसमें वैकेंट सीट कितनी है, और आप एग्ज़ाम देने गए थे तो आपको पता होगा कि कितने बच्चे एग्ज़ाम देने आए हैं, और लेवल तो दोस्तों आपको पता ही चल गया मॉडरेट टू हार्ड है, और आपके एरिया का जो एजुकेशन लेवल है वो भी आपको पता होगा कि वहाँ पर पढ़ाई का स्तर कैसा है। तो इसके आधार पर दोस्तों आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके एरिया में कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी। अब मैं दोस्तों आपको कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ, स्ट्रीम वाइज भी और कैटेगरी वाइज भी। सबसे पहले बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। साइंस स्ट्रीम में दोस्तों अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में दोस्तों जो कट ऑफ होगी वो होगी 46 प्लस माइनस 5। अब प्लस माइनस 5 का क्या मतलब है दोस्तों, एवरेज की बात करें तो लगभग जहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, लेवल ऑफ एग्जाम, एजुकेशन लेवल, ये सब चीज़ें मॉडरेट है, वहाँ पे तो दोस्तों कट ऑफ होगी 46 के आसपास। अदरवाइज अगर आपके एरिया में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कैसे लो होगी और कैसे हाई, अगर आपके एरिया में लो होनी होगी कट ऑफ, तब दोस्तों आप यहाँ से प्लस माइनस 5 कर सकते हैं, यानी कि 46 है एवरेज, और अगर आपके एरिया में लो होनी होगी तो वो 41 के आसपास दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके एरिया में कट ऑफ हाई हुई, अब किन फैक्टर पर डिपेंड करेगी वो मैं बता चुका हूँ, तो उससे आप आइडिया लगा लेना। फिर दोस्तों जो कट ऑफ है वो 50 तक भी जा सकती है, 51 तक, ठीक है ना। तो 46 प्लस माइनस 5 आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और ओबीसी की बात करें, ओबीसी में दोस्तों एवरेज होगी 43 और प्लस माइनस 5 इसमें आप कर लेना अपने एरिया के अकॉर्डिंग। तो 43 प्लस माइनस 5 जो ओबीसी की यहाँ पे कट ऑफ होने वाली है। एससी की बात करें दोस्तों, एससी की कट ऑफ होगी साइंस स्ट्रीम के लिए 41 प्लस माइनस 5, तो 41 प्लस माइनस 5 होगी दोस्तों एससी के लिए। और एसटी की बात करें दोस्तों, एसटी के लिए होगी 39 प्लस माइनस 5, 39 प्लस माइनस 5 एवरेज की बात करें 39, और अगर आपके एरिया में कट ऑफ लो होने वाली है तो इसमें से आप 5-4 नंबर माइनस कर सकते हैं, और अगर आपके एरिया में कट ऑफ थोड़ी हाई होगी तो उसके लिए आप दोस्तों इसमें 5 नंबर और ऐड कर सकते हो, तो 44 तक भी आपकी कट ऑफ जा सकती है एसटी के लिए। अब कैसे हाई होगी कैसे लो होगी मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों कॉमर्स के लिए। कॉमर्स में दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। दोस्तों कॉमर्स और आर्ट्स में, वैसे कॉमर्स में बहुत कम बच्चे भरते हैं, ठीक है, तो कट ऑफ थोड़ी ठीक ही रहती है, लेकिन दोस्तों सीट क्या है कॉमर्स में कम रहती है। आर्ट्स और कॉमर्स में दोस्तों सबसे कम सीट्स होती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे दोस्तों जो स्कूल के होते पुराने वो आर्ट्स और कॉमर्स ही लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉमर्स की बात करें दोस्तों, कॉमर्स में जो आपकी कट ऑफ होगी वो होगी 48 प्लस माइनस 4, नॉर्मल बात करें तो 48, और अगर आपके एरिया में कट ऑफ थोड़ी हाई जाने वाली होगी तो वहाँ पर दोस्तों आप प्लस 4 कर देना, ठीक है ना, और अगर थोड़ी लो होगी तो वहाँ पे आप माइनस 4 कर सकते हो, ठीक है ना। तो यानी कि 44 भी जा सकती है, और इससे दोस्तों अगर प्लस करेंगे तो 52 तक भी कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी की बात करें, ओबीसी में दोस्तों कॉमर्स के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 45 प्लस माइनस 4, ठीक है ना, 45 प्लस माइनस 4 आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एससी की बात करें, 42 प्लस माइनस 4 दोस्तों कॉमर्स के लिए आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और एसटी की बात करें, एसटी में दोस्तों जो कट ऑफ होगी कॉमर्स के लिए वो होगी 40 प्लस माइनस 4। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो आपके एरिया में क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर दोस्तों माइनस करेंगे 40 माइनस 4 यानी कितना बचेगा, 36 बचेगा। अगर आपके दोस्तों 36 से कम मार्क्स हैं, ठीक है ना, फिर तो दोस्तों आपके सिलेक्शन के बहुत ही कम चांसेस हैं, ठीक है ना, मोर मतलब कि 1% से भी कम चांसेस हैं। लेकिन अगर इसमें से माइनस करो 4, 36 बन रही है मिनिमम, तो 36 से अगर आपके ऊपर हैं तब दोस्तों आपके कुछ चांसेस हैं, लेकिन मिनिमम भी नहीं बन रहे ना आपके मार्क्स, फिर दोस्तों आपका चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। आर्ट्स की बात करें दोस्तों, सबसे पहले जनरल कैटेगरी की, जनरल में दोस्तों आर्ट्स में होगा 49 प्लस माइनस 4। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी सीट्स कम होती हैं, इसलिए 49 प्लस माइनस 4, बाकी आप एक बार पता कर सकते हो कि वैकेंट सीट्स कितनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें प्लस माइनस कर लेना। अगर आपका दोस्तों आर्ट्स कैटेगरी की बात करें, 49 प्लस माइनस 4 मार्क्स हैं, यानी कि इसमें 52 53 तक भी जा सकती है, और माइनस करें दोस्तों तो 45 तक भी जा सकती है। लेकिन अगर आर्ट्स कैटेगरी में हो आप और आपके दोस्तों 40 से भी कम है, फिर दोस्तों सिलेक्शन कम है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 46 प्लस माइनस 4 आपकी दोस्तों कट ऑफ जा सकती है। एससी की बात करें तो 43 प्लस माइनस 4 आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एसटी की बात करें दोस्तों 41 प्लस माइनस 4, यानी दोस्तों इसमें अगर आप देखिए, अगर आपके मार्क 37 से कम है एसटी में, तो फिर दोस्तों आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। अब बात करते हैं दोस्तों वोकेशनल कोर्स की। वोकेशनल में दोस्तों बहुत कम बच्चे भरते हैं, और बहुत कम बच्चे भरने का कारण ये है कि वोकेशनल कोर्स किसी किसी नवोदय विद्यालय में है। तो वोकेशनल में बात करें तो जनरल की हो सकती है दोस्तों 48 प्लस माइनस 4, ओबीसी की बात करें 44 प्लस माइनस 4, और एससी की बात करें 41 प्लस माइनस 4, और एसटी की बात करें 39 प्लस माइनस 4। अगर इस रेंज में दोस्तों आपके मार्क्स बन रहे हैं, फिर दोस्तों आप सेफ हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन इनसे बहुत ही कम अगर आपके अंक बन रहे हैं, फिर दोस्तों आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम है। और इसके अलावा दोस्तों, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर सब्जेक्ट में मिनिमम 6-7 मार्क्स भी आपके होने चाहिए, तभी दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। अगर वो वाली नॉलेज आपको नहीं है तो उस वीडियो को देखकर आप वो भी
नॉलेज ले सकते हो। तो दोस्तों ये कट ऑफ के बारे में था जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, और एक बार सभी बच्चे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस स्ट्रीम के लिए एडमिशन लेना चाहते हो, और आपकी कैटेगरी क्या है, और आपके नवोदय विद्यालय में कितने सीट्स वगैरह हैं, क्या आप इस सेफ स्कोर में हो, यानी कि क्या आप इस जो मैंने अभी आपको कट ऑफ बताई है इस रेंज में हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। तो आप एक बार आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने बाकी सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन तक भी इस इंफॉर्मेशन को पहुँचाया जा सके। और अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं बहुत जल्दी आपके लिए रिजल्ट के रिगार्डिंग भी अपडेट लेकर आने वाला हूं कि रिजल्ट कब आएगा। तो जब भी मैं दोस्तों वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ आपके एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।